ये देखिए गाइस, न्यू की पहली स्कूल ड्राइंग। क्या हो गया? किस्मत कभी चमक जाए, कभी हीरा निकल जाए, एक रात में करोड़पति बन जाए। देख सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दुआ करते आप सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। तो आज नहा धो के हो चुके रेडी गाइस, लेकिन लेट हुआ आज यार, 10:30 हो चुका है टाइम। नव्या को खिलाने वाला कोई नहीं है, मतलब उसको रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मी हो रही है थोड़ी सी बीमार, मतलब मेरे भाभी हो चुके हैं थोड़े से बीमार, एंड मम्मी को काम देखना पड़ रहा घर का सारा, किचन वगैरह का, तो उसको भी रखना पड़ रहा। और आज न्यू की भी छुट्टी है, वो भी बीमार हो गया सुबह सुबह वॉमिटिंग, भाई उठते से ने वॉमिटिंग कर दी उसने, तो अब उसको भी थोड़ा सा ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इस वजह से लेट भी हो चुके। और फिर अभी जाना इंदौर थोड़े काम से, इंदौर में काम क्या, चलो सीक्रेट यार बताते धीरे धीरे, सीक्रेट ही है आपके लिए। कुछ अच्छा एक सीरीज आने वाली, उस सीरीज पे फोकस करेंगे आपके, उसको कैसे इन्हेंस करें, उसको कैसे अच्छा बनाएं। लेकिन सीरीज के चलते चलते कुछ वहीं पे बातें होगी, कुछ वहीं पे जो उसके मतलब कमजोरियाँ है वो भी सामने आएगी, सब कुछ सामने आएगा। अभी तो मैं क्या क्या उसके लिए करने वाला हूँ, क्या क्या मैं एस्केप कर दूंगा कि वो नहीं करना, तो चलिए देखते हैं आगे, जैसा भी होगा आगे आने वाले टाइम पर पता चलेगा वो। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए गाइस, वो रोड जिस पे अभी 3-4 दिन पहले गाड़ी फंसी थी ना, उसको मतलब ऐसे धो चुके हम, पूरा धो दिया इसको, पूरा प्लेन कर दिया। लेकिन ये फिर से गाड़ी वगैरह आएगी ना तो वापस से ख़राब हो जाए। जैसे ये देखो देखो, मैं दिखाता हूँ अभी क्या हाल है इसके। ये गया भाई, ये गया। ये आप देखो, कल धोया भाई इसको, पूरी रेती वगैरह है। यहाँ पर इस पोल्स के नीचे बहुत ज़्यादा वो घुसा हुआ है, इसमें रेती। ये देखिए गाइस, न्यू की पहली स्कूल ड्राइंग उसने बनाई है, बनवाई है जो भी। और देखिए न्यू का जो नाम है स्कूल में, गुड नेम इज नीरव। ये पता नहीं यार ये क्यों है यहाँ पर, कहाँ से निकाला पता नहीं। कितना प्यारा लगता है ना, पहली पहली चीज़ें कुछ ऐसी आती, पहली ड्राइंग। अभी तो जैसे स्कूल से बनवाई है, अब खुद जो पहले मन से बनाएगा वो मतलब कुछ अलग ही फील देता है उसका यार, हर कोई संभाल के रखना चाहता है। किसने बनाया नहीं हुए? आपने बनाया इसको? ऐसे लेके पकड़ो, ऐसे लेके खड़े रहो, इधर इधर मैं फोटो लूँगा सीधे। आए तेली की तो आए हाय, इधर इधर देख, इधर देख, शर्मिली छोरी, वाह ये चेहरा तो दिखा, आपने बनाया आपने बनाया, न्यू ने बनाया, वाह यार न्यू, मज़ा आ गया। टीचर ने कुछ बोला? ये गाइस बलून चाहिए था, बलून मिल गया। अब कल भी रात में बलून को सो गया था, लेकिन इसको फूका हुआ बलून नहीं चाहिए, इसको खुद फूकाना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये यहाँ पटक के चला गया गाइस। देखो अब मैंने इसको हवा निकाल दी ना, इसको काट के हवा निकालनी पड़ी, अब देखो अब ले लेगा। ये लो हा, अब इसमें करना कुछ नहीं, इसमें पानी भरना बस, पूरे घर को गंदा करेगा। ये देखो गाइस, हो गए इसके खेल चालू, अब बलून में भरा जा रहा है पानी, उसको पूरे घर में ढोलना है अब। क्या हो गया? जब तक नहीं फूटेगा, जब तक इसकी जान नहीं निकाल देगा, तब तक यही खेल चलता रहेगा। क्या यार, बस भरना है पानी, फिर ढोलना है। गाइस इंदौर जाने के लिए हुआ अभी तैयार, क्योंकि आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम, अब ऐसा लग रहा है बढ़ रही है सिर, मतलब थोड़ा सा भारी भारी, हल्का सा हेडेक दिन भर रहता है। उसके बाद लैपटॉप पे भी काम कर रहे हो, और मैंने अभी आंखों का टेस्ट करवाया था तो -0.75 नंबर है, तो भाई अभी ध्यान दे लेते हैं, अदरवाइज़ फिर
-0.25 से 0.5 तक मैंने ध्यान नहीं दिया और अब 0.75 तक पहुंच गया डेढ़ साल के अंदर अंदर। तो थोड़ा कर लेते इसको कवर अप, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और काम भी अब लैपटॉप का है, एडिटिंग का है, तो फिर ज़्यादा मतलब बारीकी वाला काम हो जाता तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्क है। तो चल लेते और कर लेते यार। और उसके बाद फिर अभी मैंने बोला ना कि सीरीज़ चालू होगी अभी 4-5 दिन बाद, तो उसके लिए भी फिर पहुँच गए गाइस घर, सब मतलब काम वगैरह निपटा के थोड़ी शॉपिंग भी कर ली। एंड यार कितना अच्छा ब्लॉगर हो ना, सीधा घर से निकल के मतलब बोलता हूँ कि इंदौर जा रहे हो और वापस घर पर आके ब्लॉग स्टार्ट करते हो। वाह क्या बात है। देखिए अभी भाई खोज चल रही इस स्टोन पे, ये देखिए पता नहीं कुछ नीलम टाइप दिख रहा है अंदर से ये। तो पापा इस पे थोड़ा सा मतलब इसको घीस वगैरह के सही करेंगे। किस्मत कभी चमक जाए, कभी हीरा निकल जाए, एक रात में करोड़पति बन जाए, देखते भैया ट्राई करते हैं। देखिए कैसा नारियल जैसा लग रहा बिल्कुल। थंबनेल में तो यही जाएगा। भयंकर क्या क्लियरिटी आ रही है यार आजकल कैमरे में। कैमरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है यार मेरा। गाइस बहुत ज्यादा कोशिश कर ली मैंने इसको साफ करने की, देखो इतना इतना तो पापा ने साफ किया और ये जो काला काला निशान ना ये मशीन से साफ किया, लेकिन इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा यार। बहुत कोशिश कर ली इसको, देखो ये जो काला काला जितना जितना पार्ट दिख रहा है ना ये मशीन से साफ किया हुआ है मैंने। बहुत मतलब फोर्स लगा के इसको घिसा लेकिन नहीं हो पाया। और इस पर शाइनिंग करने की भी कोशिश की है, जो शाइनिंग अगर यहाँ दिख रही हो कुछ कुछ पार्ट में, ये शाइनिंग मैंने सैंड पेपर से मशीन पे सैंड पेपर लगाया, उसके बाद इसकी घिसाई पुताई की थोड़ी। पता नहीं ये क्या है यार, कुछ अच्छा हो आई होप। और ये मतलब एक्चुअली है ना क्या है कि पापा को मिला था कहीं से, तो पापा उठा के लेके आ गए कि देखते हैं इसमें क्या। और इसका वेट बहुत ज़्यादा है इसमें ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg के आसपास इतना सा है, लेकिन नॉर्मल पत्थर में इतना वेट नहीं रहता, इसमें है। इसलिए हम क्यूरियस है कि भाई कुछ तो इसके अंदर होगा जो देखना है हमको, मतलब एक कीड़ा दौड़ रहा मन के अंदर कि इसके अंदर क्या है। और कुछ नहीं भी निकला तो इसको ना एक शेप में कटवा के पेपर वेट बनवा लेंगे। ट्रांसपेरेंट है अच्छा, और पॉलिश हो जाएगी तो वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसको अच्छा फिनिश करवा के एक पेपर वेट के रूप में इसको बनवा लेंगे और हमेशा पड़ा ही रहेगा। वो ग्रीन तो है ही उसमें कुछ ना कुछ, तो ग्रीन भी एक अच्छा इफेक्ट देगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हैशटैग लालच तो है ही सही हमेशा से, कि लालच कुछ अच्छा ही निकल जाए तो भाई पर कोई ना। और लालच से एक चीज़ बहुत अच्छी याद आए भाई मेरे सामने, ही एक आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है और मेरे लिए भी मतलब इतनी ज़्यादा गुड नहीं है, लेकिन हाँ भाई इतने टाइम बाद भी फिर जो भी है, बट ये भी अचीव करने में टाइम लगता है और इतना हुआ वही बहुत है। ये गिनती बहुत कम है लेकिन आई होप ये एंडलेस गेम जाए, बहुत एंडलेस गेम जाए, काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे बड़े। लेकिन अभी तो मेरे भाई 50 है देखिए, और +3 इन लास्ट 28 डेज। तो जब से मैंने चैनल पे वापस रेगुलरिटी स्टार्ट की है, लास्ट 28 डेज तो नहीं हुए मेरे को, अप्रोक्सीमेटली 15 ब्लॉग्स हुए, 15 ब्लॉग्स में 3 सब्सक्राइबर्स बढ़े। नो वरी, अभी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और यार मैं बोल तो रहा हूँ एंडलेस गेम होगा है, काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, काफ़ी कुछ अच्छा होगा। आई होप हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और अभी क्या है ना, एक टाइम आता है जब तक आपको कहीं से ये मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन जाता ना, तब तक आप इस पर कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाओगे। एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसको नहीं देख सकते, लेकिन जब आपके पास ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए ना, तब आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिकली नहीं, हाँ खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करेंगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। तो तब तक के लिए वेट है कि कब तक हम इसको बगैर सोर्स ऑफ अर्निंग के यूज़ करते हैं और कब तक इसको रेगुलर रखते हैं। हाँ कंसिस्टेंसी अब आ रही है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अभी सीरीज़ आ रही है तो मैं सच में विश्वास दिलाता हूँ सीरीज़ काफ़ी अच्छी जाएगी। हाँ हो सकता है मैं कंसिस्टेंट ना रहूँ किसी चीज़ में, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लॉग आज का कल आ रहा है, कल का परसों आ रहा है, 2 दिन का एक साथ आ रहा है,
मिक्सअप होके आ रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा क्योंकि सीरीज कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जाने वाली है और वो आपको साथ साथ पता चलेगा क्यों डिफ़िकल्ट जाने वाली, क्यों इतना कम टाइम लगा, सब कुछ आपके सामने होगा। चलिए करते इस व्लॉग को यहीं एंड। एक प्यारा सा व्लॉग है भाई ये, कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है लेकिन एक खुशी है कि भाई 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके इतने टाइम बाद ही सही, लेकिन हुए एटलीस्ट कुछ अच्छा हुआ। तो करते इस व्लॉग को यहीं एंड। होप ऑल यू आर इंजॉइंग और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही साथ बनाए रखे, अभी आगे कुछ अच्छा आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।